हॉरर फिल्मों का एक कॉन्सेप्ट होता है। हॉरर फिल्मों में सुनसान हवेली होती है, रात में ज्यादातर शूटिंग दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो कुछ ना कुछ फील करता है, कुछ सांसें या कुछ चलने की आहटें, सपने देखता है, या फिर अगर कह सकते हैं हॉरर फिल्मों में सबसे मेन बात होती है कि यहां पर भूत सडन आते हैं। और ऐसी ही सारी चीजें हो रही हैं अमावस के अंदर। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। चलिए बात करते हैं अमावस फिल्म का ट्रेलर के बारे में। वेल, इस फिल्म के अंदर सचिन जोशी हैं, प्रोमिनेंट लग रहे हैं थोड़ा, नरगिस फाकरी हैं जो कि ग्लैमरस लग रही हैं, और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है 1920 इविल रिटर्न्स के डायरेक्टर भूषण पटेल ने। भूषण पटेल ने हॉरर जॉनरा में कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी बहुत महारत हासिल कर रहे हैं। अलोन ले लीजिए, रागिनी एमएमएस 2 ले लीजिए, तो ऐसे में भूषण पटेल लेकर आए हैं इस बार अमावस। और अगर ट्रेलर देखा जाए तो ट्रेलर में आपको लव स्टोरी तो दिखेगी, लेकिन स्पूकी एलिमेंट ज्यादा दिखेंगे। एक कपल है जो कि प्यार में है, वो एक घर जाते हैं, वहां पे वो टोटके को तोड़ देते हैं और फिर सारी चीजें शुरू होती हैं। बेसिकली कहानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1920 से रिलेटेड है, जो कि विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी, लेकिन हो सकता है इसका ट्रीटमेंट अलग हो। भूतिया फिल्मों की जो बात होती है दोस्तों, इंडियन भूतिया फिल्मों की, बेसिकली उसमें एक कोई ना कोई चुड़ैल, राक्षसनी, शैतान, भूत, आत्मा, प्रेत, ये सारी चीजें होती हैं जो कि बदला लेते हैं, वापस आता है, या हो सकता है कि सामने जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि सचिन जोशी का कैरेक्टर, उसने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो। लड़की का भूत दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट में किया होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन ओवर एंड ऑल ट्रेलर में एक डर पैदा होने की कोशिश है, लेकिन उतना ज्यादा डर नहीं लगता। वहीं अगर पास में अगर हॉरर फिल्म्स की बात करें दोस्तों, तो द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की जो फिल्म्स हैं, हॉन्टिंग इन द कंज्यूरिंग वाला जो सेकंड चैप्टर आया था, या फिर इनफैक्ट द नन ले लीजिए, तो इन्होंने एक बेंचमार्क सेटअप किया था। इनके ट्रेलर ने ही हमें डरा दिया था। इंडियन फिल्म्स की बेसिकली बात यही होती है कि इंडियन फिल्म्स में हॉरर एलिमेंट होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उससे ज्यादा रोमांस होता है, उससे ज्यादा न्यूडिटी होती है। लेट्स सी, फाइंड आउट ऐसी चीजें ना हो कुछ इस फिल्म के अंदर, और ये सुपर डुपर हिट हो जाए और स्लीपर हिट बन जाए, जस्ट लाइक 1920। वेल, आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स सी, देखते हैं कि ये फिल्म क्या गुल खिलाती है। लेकिन आप पहले फटाफट जाकर ट्रेलर देखिए, ट्रेलर देख के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको सीरियसली डर लगा या नहीं लगा। सारी बातें बोल दीजिए और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि राहुल भोज इसी तरीके के डरावनी बातें करता रहेगा, यानी कि सारे रिव्यूज, रिएक्शन सब लाऊंगा मैं, पक्का प्रॉमिस रहा। अमावस्या।